चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा, ये उचित नहीं। कहाँ भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाया? बुलडोजर चलना चाहिए तो बेरोजगारी पे चलाते क्यों नहीं है यूपी में? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने यूपी मॉडल पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या होता है यूपी मॉडल, क्या बिहार में अब तक सर्कस मॉडल था? बुलडोजर अगर चलाना ही है तो हर जगह चलाना चाहिए, बेरोजगारी और क्राइम पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? तेजस्वी का ये भी कहना है कि बीजेपी को अपने ही मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। वहीं दिवंगत नेता रामविलास पासवान के सरकारी बंगले को खाली कराने को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रामविलास पासवान जी अपने आखिरी समय तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन जो व्यवहार हुआ है चिराग पासवान के साथ वो गलत है। लोजपा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, चिराग जी खुद को हनुमान बताते रहे, तो ऐसे में जो व्यवहार चिराग जी के साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत है। सुनिए तेजस्वी यादव की पूरी बात। रामविलास पासवान जी रामविलास पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ रहे। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को दो पार्ट में कर दिया गया, घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया, तो ये तो इस पर हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं, लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा, ये उचित नहीं। कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? अब इसमें हम क्या कैसे, अब हम इसमें क्या बताएं? ये तो जवाब चिराग जी ही दे सकते हैं। तो जैसे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अब कहा है कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है, पहले तो प्रवक्ता कहते थे, अब वो मानते हैं कि अभी सर्कस मॉडल है। अरे सर्कस मॉडल है पूछिए तो, क्या उनका भरोसा नहीं रहा सीएम नीतीश कुमार पे? अब हम नहीं जानते, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है कि सर्कस मॉडल चल रहा है और लाएगा कौन, क्या है मॉडल, क्या है मॉडल, क्या है हमको तो पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर ही उनका मॉडल है। हाँ बुलडोजर ही उनका यूपी मॉडल, क्या होता है वो, किस लिए, हमको वो कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आया भाई। बुलडोजर चलना चाहिए तो बेरोजगारी पे चलाते क्यों नहीं है यूपी में? योगी जी ने कहाँ बेरोजगारी पे बुलडोजर चलाई, कहाँ क्राइम पे बुलडोजर चलाया?